अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज मैं आई हूँ आप लोगों के पास एक नए दिन के साथ और एक नई एक्टिविटी के साथ। तो अब देखिए आज हम क्या करने वाले हैं भाई। आज तो हम बहुत इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आज आप लोगों का पढ़ने का कोई मूड नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें ठीक है भाई, आज हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डिस्कस करना चाहते हैं आप लोग? चलें, अब जल्दी से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। भाई अच्छा प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को पहले कुछ दिखाती हूँ, ठीक है? ये देखिए, ये क्या है मेरे पास? ये क्या नज़र आ रहा है आपको? ये देखिए, ये क्या नज़र आ रहा है? भाई ये तो बहुत बड़ी सी रॉड है। क्या है ये? रॉड। क्या है? रॉड। और ये कितनी बड़ी है भाई? ये देखिए, ये तो कितनी टॉल है, ये कितनी लंबी है, देखिए तो कितनी टॉल है। टॉल। क्या है ये? टॉल। ये क्या है? टॉल। ये अपनी जगह पर भाई देखें, पूरा स्ट्रेट अपनी जगह पर खड़ी हुई है, ये मूव नहीं कर रही है जब तक मैं इसे मूव ना करवाऊँ। ये मूव नहीं कर रही है तो हम इसे क्या कहते हैं? टॉल। जो चीज़ अपनी जगह पे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी रहती है हम उसे क्या कहते हैं? टॉल। क्या कहते हैं? टॉल। टॉल। वेरी गुड, रीड विद मी, टॉल। वेरी गुड, ओके। अब ये देखिए, ये क्या है भाई? ये तो छोटी सी है। ये छोटी सी रॉड है, नज़र आ रही है ना आप लोगों को? छोटी सी रॉड है, हम इसे क्या कहेंगे? शॉर्ट। क्या कहेंगे? शॉर्ट। क्या कहेंगे? शॉर्ट। क्योंकि ये छोटी सी है तो हम इसे क्या कहेंगे? शॉर्ट है ये। ये देखिए, ये कितनी बड़ी है और ये कितनी छोटी है। टॉल शॉर्ट, टॉल शॉर्ट, टॉल शॉर्ट। वेरी गुड, टॉल शॉर्ट। अच्छा प्यारे बच्चों, इसके अलावा आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिसे हम टॉल और शॉर्ट कह सकते हैं? चलिए सोचते हैं। मेरे माइंड में आई है एक बहुत अच्छी सी चीज़। आप पार्क जाते हैं, पार्क में आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े से ट्रीज़ हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं और वो ट्रीज़ कितने टॉल होते हैं। और वो अपनी जगह पर स्ट्रेट खड़े रहते हैं, इज़न्ट इट? देखा है, याद आ गए आपको? बहुत बड़े बड़े से ट्रीज़ हैं। आप अपने घर के गार्डन में देखिए, वहाँ भी आपको एक बड़ा सा ट्री नज़र आ रहा होगा, तो हम क्या कहते हैं? टॉल ट्रीज़। क्या कहते हैं? दीज आर टॉल ट्रीज़। क्या कहते हैं? टॉल। बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं। और फिर आप देखेंगे कि आपको दूसरी जगह पे छोटे से प्लांट्स भी नज़र आते हैं। आप अपने घर के बाहर देखें, आपको छोटे छोटे प्लांट्स नज़र आते हैं, क्योंकि वो छोटे से होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट। क्या कहते हैं? शॉर्ट। क्या कहते हैं? शॉर्ट। रीड विद मी, शॉर्ट। जो चीज़ लंबी होती है, बड़ी होती है, हम उसे क्या कहते हैं? टॉल। और जो चीज़ छोटी सी होती है हम उसे क्या कहेंगे? शॉर्ट। टॉल शॉर्ट। चलें अब मूव करते हैं बुक के पेज की तरफ। बुक के पेज पर सबसे पहले आपको डेट मेंशन करनी है। यस, डेट डालना आपको आ गई होगी। चलें जल्दी से अब डेट डाल दीजिए। डाल ली, वेरी गुड। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द आइकन। आइकन्स में हमें क्या नज़र आ रहा है? आइकन्स में हमें फिंगर नज़र आ रही है। अब आप समझ गए होंगे कि अब आपने क्या करना है? रीड करना है। वेरी गुड, रीड। रीड, वेरी नाइस।
अब इस पेज पे भाई हमें क्या नजर आ रहा है? भाई ये देखिए, ये क्या है? ये तो बहुत अच्छी सी पिक्चर नजर आ रही है। और इस पिक्चर में क्या क्या नजर आ रहा है भाई? ये तो हमें जिराफ नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहा है? जिराफ। और ये जिराफ कितना लंबा है, ये देखिए भाई, कितना टॉल है। और आपने रियल में जिराफ देखा है? रियल में भी जिराफ इतने ही टॉल होते हैं। और ये क्या नजर है आ रहा है हमें? ये है रैबिट। क्या है? रैबिट। और रैबिट को तो हमने देखा है, वो तो बहुत शॉर्ट से होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं। अब जिराफ के सामने रैबिट कितने शॉर्ट लग रहे हैं? तो हम क्या कहेंगे? जिराफ इज टॉल एंड रैबिट इज शॉर्ट। टॉल शॉर्ट, टॉल शॉर्ट, वेरी गुड। रीड विद मी, टॉल शॉर्ट, वेरी नाइस। अब क्या करना है हमने? हमने नेक्स्ट आइकन की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट आइकन है हमारा कलर। कलर, तो अब क्या करेंगे हम? इन दोनों पिक्चर्स में बहुत अच्छी सी कलरिंग करेंगे। जी हाँ, चलें आप लोग स्टार्ट कर दीजिए अपना वर्क, जल्दी से अच्छे अच्छे से कलरिंग कर दीजिए और अपने घर में टॉल एंड शॉर्ट के ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करें। और फिर शाम में आपकी टीचर कॉल करेंगी, तो आप उन्हें शो करिएगा, अपनी कलरिंग शो करिएगा और उनके साथ डिस्कस करिएगा। और क्या करेंगे? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।